हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेंस। माय नेम इज लक्ष्य सिंह। आप सभी का द पेंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द नाइल रिवर। आज की इस क्लास में हम लोग द नाइल रिवर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। द नाइल रिवर। द नाइल रिवर इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। ये जो नाइल रिवर है, ये एक मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। इट फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन सी। इट इज द अफ्रीकाज एंड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। और नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में बहने के बाद ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिर जाती है। और ये अफ्रीका की और वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। और इसकी जो लेंथ है वो है 6,650 किलोमीटर्स। इट ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया इन युगांडा। इट फ्लोज इन युगांडा, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, डीआर कांगो। और डीआर कांगो को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नाम से भी जाना जाता है। केनिया, इथियोपिया, इरीट्रिया, साउथ सूडान, सूडान एंड इजिप्ट। देखिए, अब आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, दिस इज लेक विक्टोरिया। और ब्लू, और देखिए यहाँ से नाइल रिवर का ओरिजिनेट हो रही है। और जब, और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, जो नाइल रिवर होती है वो जब लेक विक्टोरिया से निकलती है तब उसे वाइट नाइल के नाम से जाना जाता है। और जब ये सूडान की कैपिटल खारतूम में पहुँचती है तब इथियोपिया की लेक टना से निकली हुई ब्लू नील जब इससे मिल जाती है तब ये बनती है नाइल रिवर। तो देखिए, ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये रवांडा बुरुंडी को क्रॉस करते हुए साउथ सूडान, सूडान एंड यहाँ पे इथियोपिया, इरीट्रिया एंड फिर उसके बाद ये इजिप्ट में एंटर करती है। उसके बाद ये मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। द बिग सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ नाइल रिवर आर खारतूम सिटी, लग्जर सिटी, कायरो, आसवान, थेबेस एंड जूबा सिटी एटसेट्रा। देखिए, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लग्जर सिटी है, कायरो सिटी, खारतूम सिटी एंड जूबा सिटी। द लेंथ ऑफ नाइल रिवर इज 6,650 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ इज 2.8 किलोमीटर्स। ये जो नाइल रिवर है इसकी लेंथ 6,650 किलोमीटर्स की है और इसकी जो विड्थ है वो है 2.8 किलोमीटर्स। द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नाइल रिवर आर वाइट नाइल, ब्लू नाइल एंड द अटबारा रिवर। देखिए, आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, दिस इज नाइल। देखिए, यहाँ पे ये ब्लू वाइट नाइल है, दिस इज ब्लू नाइल एंड दिस इज अटबारा रिवर। और देखिए, यहाँ ये लेक विक्टोरिया से वाइट निकल रही है वाइट नाइल। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, द अटबारा रिवर ऑल्सो रिफर टू एज द रेड नाइल और ब्लैक नाइल इज अ रिवर इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका। इट राइजेज इन नॉर्थ वेस्ट इथियोपिया अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ लेक टना। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो ये कह रहा है कि जो अटबारा रिवर है इसे रेड नाइल और ब्लैक नाइल के नाम से भी जाना जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ओरिजिनेट होती है नॉर्थ वेस्ट इथियोपिया में। और अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर लेक टना के नॉर्थ पे इसका ओरिजिनेट होता है। देखिए, डैम्स बिल्ट ऑन नाइल रिवर। ओवन डैम नियर द ओवन फॉल्स ऑन द वाइट नाइल वेयर इट लीव्स लेक विक्टोरिया। सेन्नार डैम ऑन द ब्लू नाइल इन सूडान। आसवान डैम ऑन द नाइल इन इजिप्ट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द ग्रेट रिवर। देखिए, जो ओवन डैम है आप यहाँ देख सकते हैं, ओवन फॉल्स डैम वाइट नाइल पे बिल्ट किया गया है और ये है सेन्नार डैम जो कि ब्लू नाइल
सूडान में बिल्ट किया गया है। और देखिए असवान डैम जो कि इजिप्ट में नाइल रिवर के ऊपर बिल्ट किया गया है। देखिए लेक विक्टोरिया सोर्स ऑफ व्हाइट नाइल रिवर अ लार्ज लेक थ्रू विच इक्वेटर पास वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी एंड लेक सुपीरियर इट कंटेन्स न्यूमरस आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स। ये जो लेक विक्टोरिया है ये वाइट नाइल रिवर की एक सोर्स है और ये एक ऐसी लार्ज लेक है जिसपे से इक्वेटर पास होता है। अब देखिए आप यहाँ पे इसे देख भी सकते हैं, दिस इज लेक विक्टोरिया, हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट लेक आफ्टर कैस्पियन सी एंड लेक सुपीरियर, और ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी एंड लेक सुपीरियर के बाद। इट कंटेन्स न्यूमरस आइलैंड्स एंड कोरल रीफ्स, और ये कई सारे आइलैंड्स और कोरल रीफ्स को कंटेन करती है। लेक टना, आप देखिए अब इथियोपिया में आप लेक टना को देख सकते हैं जहाँ से ब्लू नाइल का ओरिजिनेशन होता है। देखिए लेक टना, लेक टना सिचुएटेड इन द इथियोपियन हाईलैंड्स, देखिए इथियोपियन हाईलैंड्स पर सिचुएटेड है लेक टना। सोर्स ऑफ ब्लू नाइल रिवर, और ये ब्लू नाइल रिवर की एक सोर्स है। अब हम लोग नाइल रिवर जिन कंट्रीज को क्रॉस करती है उन कंट्रीज के फ्लैग्स और उनकी कैपिटल को पढ़ेंगे। देखिए जैसे ये इजिप्ट का फ्लैग है और यहाँ की कैपिटल कायरो है। दिस इज द फ्लैग ऑफ सूडान और यहाँ की कैपिटल खारतूम है। और ये साउथ सूडान, यहाँ की कैपिटल जूबा है। ये इथियोपिया का फ्लैग है और यहाँ की कैपिटल एडिस अबाबा है। ये है इरीट्रिया, यहाँ की कैपिटल असमारा है। और ये रवांडा है, यहाँ की कैपिटल किगाली है। एंड दिस इज बुरुंडी, यहाँ की कैपिटल गिटेगा है। एंड दिस इज डीआर कॉन्गो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यहाँ की कैपिटल किनशासा है। दिस इज केनिया, यहाँ की कैपिटल नैरोबी है। एंड ये है युगांडा, यहाँ की कैपिटल कंपाला है। ये तांजानिया, और यहाँ की कैपिटल डोडोमा है। तो चलिए अब हम लोग नाइल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए अब ये है हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अंडर द ड्रेनेज एरिया ऑफ द नाइल रिवर। ए ऑप्शन है चाड, बी ऑप्शन इथियोपिया, सी ऑप्शन इज सूडान एंड डी ऑप्शन इज युगांडा। जैसे कि अभी आपको मैंने मैप में भी दिखाया था, और जो नाइल रिवर है वो चाड में नहीं बहती है, तो इसका सही आंसर चाड है। और ये क्वेश्चन यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2013 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ब्लू नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ए ऑप्शन इज लेक विक्टोरिया, बी ऑप्शन इज लेक टना, सी ऑप्शन इज लेक एडवर्ड, डी ऑप्शन इज लेक अल्बर्ट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मैप में भी दिखाया था कि ये लेक टना से ओरिजिनेट होती, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन UPRO ARO एंड प्री 2016 में पूछा गया था। अब देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द वाइट नाइल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो वाइट नाइल रिवर वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। ए ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, बी ऑप्शन लेक टना है, सी ऑप्शन लेक एडवर्ड एंड डी ऑप्शन इज लेक अल्बर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, ये लेक विक्टोरिया से ओरिजिनेट होती है। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोइंग रिफर्ड एज द रेड नाइल और ब्लैक नाइल। हमारा पहला ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, सेकंड है लेक टना, थर्ड है अटबारा रिवर एंड फोर्थ इज लेक अल्बर्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था इम्पोर्टेंट नोट में कि अटबारा रिवर को रेड नाइल एंड ब्लैक नाइल के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन अटबारा रिवर। अब देखिए हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है असर्शन ए इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। रीजन,
इट इज एन ओसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट। अब देखिए कह रहा है कि इजिप्ट एक गिफ्ट है नाइल रिवर के लिए, और इसका जो रीज़न दिया है वो है इट इज़ एन ओसिस ऑफ द सहारा डेजर्ट, और ये सहारा डेजर्ट में एकमात्र बड़ा ओसिस है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स एंड डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और ये जो क्वेश्चन है ये UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया था। अब अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और द पेंस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल द पेंस को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।